बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसमें हम प्रॉब्लम सॉल्विंग के बारे में पढ़ेंगे और देखेंगे कि प्रॉब्लम सॉल्विंग एक्चुअली क्या होता है। प्रॉब्लम आपको अंदाज़ा है कि प्रॉब्लम हम किसी भी उस चीज़ को कहते हैं जो कि हमारे लिए कोई मुश्किल क्रिएट कर दे या फिर जिसको हमें सॉल्व करना पड़े। लाइक मैथमेटिक्स जैसे आप करते हैं तो उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस आपको दिए जाते हैं जो कि अनसॉल्व होते हैं, हमारे लिए वो एज ए प्रॉब्लम हम उनको डील करते हैं और उसके बाद हम उसका एक सोल्यूशन निकाल लेते हैं। इट मीन्स कि एवरी प्रॉब्लम मस्ट बी सॉल्व, जो भी प्रॉब्लम आती है उसको सॉल्व करना पड़ता है, चाहे वो रियल टाइम प्रॉब्लम हो या फिर हमारे पास कोई भी मैथमेटिकल प्रॉब्लम हो या फिर कोई भी कंप्यूटर से रिलेटेड प्रॉब्लम। अब प्रॉब्लम सॉल्विंग जो है वो हमारे पास एक ऐसी ही टेक्निक है जैसे कि कोई भी रुकावट अगर रास्ते में आए तो उसको ख़त्म किया जाए और उसको हल किया जाए। सो प्रॉब्लम सॉल्विंग इज़ एक्चुअली अ प्रोसेस विच आइडेंटिफाइज द प्रॉब्लम फर्स्ट एंड देन इट ट्राइज टू सॉल्व द प्रॉब्लम। सो प्रॉब्लम फर्स्ट ऑफ ऑल द प्रॉब्लम इज़ आइडेंटिफाइड एंड देन इट मस्ट बी सॉल्व। पहले तो आइडेंटिफाई करेंगे ना कि प्रॉब्लम है क्या और उसके बाद हम उसको सॉल्व कर देंगे। सो प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए बहुत सी टेक्निक्स हमारे पास यूज़ होती हैं, वो हम वन बाय वन आगे भी देखेंगे कि कौन कौन सी टेक्निक्स हमारे पास यूज़ हो रही हैं। नाउ वी विल डिस्कस व्हाट इज़ प्रोग्राम। प्रोग्राम हम ऑलरेडी भी देख चुके हैं, प्रोग्राम का अगर दूसरा नाम मैं सॉफ्टवेयर कह दूँ तो गलत नहीं होगा, हम प्रोग्राम को सॉफ्टवेयर भी बोलते हैं। अब सॉफ्टवेयर के लिए हम कहते थे सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, तो प्रोग्राम भी डेफिनेटली आपके पास सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस ही हैं और कुछ भी नहीं। प्रोग्राम इज़ अनदर नेम ऑफ सॉफ्टवेयर और वो पर्सन जो कि प्रोग्राम डेवलप करता है उसको हम प्रोग्रामर कहते हैं। सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन इज़ कॉल्ड प्रोग्राम एंड दिस सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन इज़ रिटन टू टेल समथिंग टू द कंप्यूटर टू हाउ टू सॉल्व द प्रॉब्लम। एंड प्रोग्रामर इज़ एक्चुअली अ पर्सन विच इज़ एबल टू बिल्ड अ प्रोग्राम। अच्छा जी, अब प्रोग्राम लिखते कैसे हैं। प्रोग्राम लिखने के लिए हमारे पास डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होती हैं, जैसा कि हमारे पास अगर पर्सन्स की बात की जाए, इंसानों की बात की जाए, तो आपस में कम्युनिकेशन के लिए हमारे पास भी कुछ लैंग्वेजेस होती हैं लाइक उर्दू, इंग्लिश। इसी तरह से अगर हमने कंप्यूटर से बातचीत करनी है तो हमें उसकी लैंग्वेज में राइट डाउन करना पड़ेगा, उसकी इंस्ट्रक्शंस जो हैं जो हमने उसको फीड करनी है वो हमने उसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में लिखनी है जो कि कंप्यूटर समझ सकता है। तो हम वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस भी आगे देखेंगे कि कौन कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हम यूज़ करते हैं। किसी भी प्रोग्राम का, कंप्यूटर प्रोग्राम का क्या क्या एडवांटेज हो सकता है। कंप्यूटर प्रोग्राम हम इसलिए लिखते हैं ताकि किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकें। सबसे बड़ा एडवांटेज तो हमारे पास ये हो गया कि प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए यूज़ होता है। दूसरा, हम कंप्यूटर प्रोग्राम इसलिए भी लिखते हैं ताकि हमारे जो काम है, जो प्रॉब्लम जो सॉल्व कर रहे हैं, वो एफिशिएंटली हो जाएँ, तेज़ी से हो जाएँ। और उसके अलावा आपका जो कंप्यूटर प्रोग्राम है वो लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा को बहुत इजीली प्रोसेस कर सकता है, रिजल्ट्स को बार बार रिपीटेडली डिस्प्ले कर सकता है विदाउट एनी एरर। तो ये प्रोग्राम के लिए, बाकी आपके लिए जब एफिशिएंसी बढ़ जाती है तो टाइम कंजप्शन रिड्यूस कर देता है। ये कुछ एडवांटेजेस हैं कंप्यूटर प्रोग्राम के जिनको आपने रीड आउट कर लेना है। नाउ वी विल डिस्कस व्हाट इज़ एल्गोरिदम्स एंड सूडो कोड। एल्गोरिदम और सूडो कोड क्या होता है इसके बारे में हम देखते हैं।